हेलो गाइस, मैराथन क्लास के 12वें दिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस मैराथन क्लास में आज हम क्या करेंगे कि जो बैंकिंग के जो पेपर है, मतलब 2021 है ना, फिर 2020, 19, 18, 17, 15, तो सारे प्रीवियस ईयर के हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे कि भाई मेंस में क्या क्या पूछा गया था, है ना। तो विद ऑप्शन के सहित करेंगे, चार ऑप्शन बढ़िया से देखेंगे। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा न्यू लर्निंग सीरीज है जो हम लोगों ने इसको मैराथन क्लास में ऐड कर दिया गाइस, है ना। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ कि हम लोग IBPS की जो प्री और मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ उसको हम बना के रख के नाबार्ड की और दूसरी जैसे NSC है ना, इपोग्राफ को इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम मेंटेन करके हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी प्रिपरेशन को हम मेंटेन करके हमारे जो फर्दर एग्जाम है, तो उस फर्दर एग्जाम को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो लेट्स सी, बिगर देरी के बिना हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आज हमारा मैराथन क्लास का 12वां दिन है गाइस, ठीक है। देखो स्क्रीन पे सभी की स्क्रीन पे शो हो भी गया होगा बढ़िया सा यहाँ पे, है ना। तो IBPS FO की जो हमारे कंप्लीट जो रहेगा, तो हम पूरा इसका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे गाइस बढ़िया सा, है ना। आप लोग इसको देखते रहिए यहाँ पे। देखो तो IBPS FO मतलब ये 2021-22 का पेपर है। यहाँ पे एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। 60 क्वेश्चन गाइस आते हैं मेंस में, और बाकी मैं वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें सारी चीजें वहाँ पे बताऊंगा। अभी तो सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा सेशन रहेगा कि IBPS 2021-22 में क्या क्या क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग लगाइए इसको, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और बढ़िया से आप लोग लगाइए गाइस। देखिए इसमें कितने ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं, ध्यान दीजिएगा कितने ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं। क्या बोल रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंटल इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन मिल्क, मीन्स क्या होगा कि मिल्क में वाटर जो कंटेंट होगा उसका डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाएगा, हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाएगा, एनीमोमीटर के द्वारा किया जाएगा, कैथरोमीटर के द्वारा किया जाएगा, या लैक्टोस्कोप के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, देखो एनीमोमीटर की यदि हम बात करें कि एनीमोमीटर क्या होगा, तो एनीमोमीटर किसके लिए होता है, विंड की स्पीड के लिए होता है। ध्यान रखना, पूछेगा कि बताओ विंड की स्पीड के लिए किसका यूज किया जाएगा, तो विंड की स्पीड के लिए जो यूज किया जाएगा एनीमोमीटर का यूज किया जाता है ना। और एक होता है विंड वेन होता है, एक होता है विंड वेन, इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विंड वेन का जो उपयोग होता है, विंड वेन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो विंड वेन का उपयोग जो होता है उसके डायरेक्शन में किया जाता है। मतलब विंड के यदि डायरेक्शन डिटरमिनेशन करना रहेगा तो विंड वेन का, और यदि स्पीड डिफाइन करना है तो यहाँ पे एनीमोमीटर का यूज किया जाएगा। यदि हम कैथरोमीटर, तो ये होगा क्या, ये तो नहीं होगा, बाहर हो चुका है। कैथरोमीटर की यदि हम बात करेंगे तो कैथरोमीटर जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। और किसके लिए यूज किया जाएगा, आपको पता है गाइस कि सॉइल में जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि जिसमें ऊष्मा का जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो लंबे समय तक बना हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी देखा जाता है कौन से पार्टिकलों की ज्यादा होती है, तो सैंड के पार्टिकलों की क्या होती है, ज्यादा होती है यहाँ पे, है ना। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका जो फाइनली जो आंसर बनेगा गाइस, यहाँ पे फाइनली आंसर क्या बनेगा आपका, लैक्टोमीटर आएगा। क्योंकि आपको देखना है कि भाई मिल्क में वाटर कंटेंट की मात्रा कितनी रहती है, तो उसका डिटरमिनेशन लैक्टोमीटर के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, और लैक्टोस्कोपी आप लोगों को होपफुली पता होगा यहाँ पे। तो दोनों को ध्यान रखना है, एनीमोमीटर क्या काम करता है, कैथरोमीटर क्या काम करता है, विंड स्पीड क्या रहता है, इन सभी को आप लोग जरूर से जरूर इसको ध्यान रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो लैक्टोस्कोप की हम बात करेंगे तो ये क्या बताता है कि क्रीम अमाउंट इन मिल्क, है ना, क्रीम अमाउंट इन मिल्क मतलब क्रीम जो होता है, मतलब ये बताएगा कि मिल्क में कितना क्रीम होता है, तो वहां पे लैक्टोस्कोप का यूज किया जाता है कि भाई जो मिल्क वगैरह है तो मिल्क में क्रीम कितना रहेगा, तो उसका डिटरमिनेशन करने के लिए यहाँ पे लैक्टोस्कोप का यूज किया जाता है गाइस। तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आएगा, लैक्टोमीटर आएगा, ठीक है। तो बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे, बताइए इस बार का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब ये बैंक में पूछा गया था, है ना, इस बार का जो पेपर हुआ था 2021-22 में पूछा गया था कि व्हेन द प्लांट इज प्रोपेगेटेड बाय स्मॉल टिश्यू या
पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्म मतलब है ना, तो जो प्रोपेगेटर जो है स्मॉल टिश्यू कल्चर के द्वारा होता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्या माइक्रो प्रोपेगेशन बोलेंगे, सेक्सुअल प्रोपेगेशन बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो गाइस देखो सबसे पहले भी हम बात करेंगे कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है गाइस कि जो प्रोटोप्लाज्म होगा, अरे क्या होगा, सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होता है प्लांट में, तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है दो भागों में बढ़ जाता है। मतलब ये प्रोटोप्लाज्म होगा तो ये क्या हो जाता है गाइस, यहाँ पे फ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन एक ब्रीडिंग मेथड होता है यहाँ पे। ठीक है, सेक्सुअल मेथड की हम बात करेंगे तो सेक्सुअल में क्या होता है, सीड होगा, सीड से क्या होता है वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है ना, ओपन पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें आ जाएगा आपका सेक्सुअल के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रखना की स्मॉल टिश्यू में जो कोई प्रोपेगेशन होता है गाइस, तो वहां पे हम कौन सा टर्म देते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे माइक्रो आंसर आएगा। ठीक है, आगे ले बताओ, कुर्ग इज अ कमर्शियल वैरायटी। कुर्ग किसकी वैरायटी है यहाँ पे, क्या कोकोवा की वैरायटी है, ठीक है, या चेरी की वैरायटी है, या टी की वैरायटी है, कॉफी की वैरायटी है, रबर की वैरायटी है। तो कैसे ध्यान रखना कि जो कुर्ग होता है, ये कुर्ग किसकी वैरायटी होती है, यहाँ पे कॉफी की वैरायटी होगी। ध्यान रखना इसको बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, कॉफी आएगा, जरूर ध्यान रखना। देखो कॉफी की वैरायटी, तो कॉफी की एक और वैरायटी लिख लो, आप लोग के लिए पूछा जाता है कि केंट भी लिख लो, केंट किसकी वैरायटी थी पूछेगा, केंट, और एक और लिख लो सन रोमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है कि केंट और सन रोमन, क्योंकि गाइस ये किसी वैरायटी है, म्यूटेंट वैरायटी है। तो किसी वैरायटी है ये, केंट और सन रोमन म्यूटेंट वैरायटी है जो कॉफी की वैरायटी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, कोकोवा को लिख लेना, कोकोवा में थोड़ा ऐसा क्वेश्चन लिख लेना कि जो कोकोवा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फूड ऑफ गॉड भी बोलेंगे। तो क्या बोलते हैं, फूड ऑफ गॉड। ये पीछे का बताओ कि फूड ऑफ गॉड किसको कहा जाता है, तो फूड ऑफ गॉड जो होता है कोकोवा को कहा जाता है। टी के लिए हम बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, क्यून ऑफ ब्यूरेज कहा जाता है। लिख लेना कि क्यून ऑफ ब्यूरेज है ना, ब्यूरेज मतलब क्या होगा, पेय पदार्थ की रानी। क्यून ऑफ जो ब्यूरेज होता है, तो क्यून ऑफ ब्यूरेज किसको कहा जाता है, टी को कहा जाता है, मतलब पेय पदार्थ की रानी हम टी को बोलते हैं गाइस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बाकी रबर वगैरह को आप लोग देख ले, बाकी रबर तो यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है। रबर का बोटनिकल नेम क्या होगा, हेविया ब्रिसिलिस होता है गाइस, और इसका नेटिव जो प्लेस होता है, रबर का नेटिव प्लेस क्या होता है, ब्राजील होता है। अरे क्या होगा, ब्राजील होगा। ठीक है, तो बढ़िया से इसको आप लोग ध्यान रखना है। तो कुर्ग किसकी वैरायटी है, तो सीओ से ध्यान रखना, सीओ मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉफी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन गाइस हमारा है कि पाश्चराइजेशन मिल्क, मतलब द पर्पस ऑफ पर्पस ऑफ पाश्चराइजेशन मिल्क, मतलब यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है यहाँ पे पाश्चराइजेशन का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि टू डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया के कारण जो डिसीज लगेंगे क्या उसके चेक करने के लिए होता है एक पैथोजेन, यहाँ पे पाश्चराइजेशन या उसको डिस्ट्रॉय वहां पे कर देगा, मतलब वहां पे इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करेगा। टू चेक एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क में क्या एडल्ट्रेशन को चेक करेगा। इंक्रीजिंग द एसिडिटी, मिल्क में एसिडिटी को चेक करेगा। या रिड्यूस द साइट ऑफ फैट ग्लोबल, के फैट ग्लोबल को वहां पे कम करने का काम करेगा। तो गाइस पाश्चराइजेशन जो होता है, पाश्चराइजेशन एक कैसा प्रोसेस होता है यहाँ पे कि जो मिल्क में क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूली वहां पे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो देखो बोल भी रहा है कि पाश्चराइजेशन मिल्क का जो रॉ मिल्क होता है, हैज बीन हीटेड स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड टाइम टू किल द पैथोजेनिक मेनी फाउंड रॉ ऑफ मिल्क, रॉ ऑफ मिल्क, बहुत सारे जो रॉ ऑफ जो मिल्क रहता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो उन बैक्टीरिया को एक विशेष टेम्परेचर पे दिया, मतलब दूध को रखा जाता है, मिल्क को रखा जाएगा, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है गाइस, उनकी डेट हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है अलग अलग टेम्परेचर, जैसे लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LTLT बोलते हैं। HTHT का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और UHT का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होगा। तो ध्यान रखना कि जब LTLT होगा 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे, तो 30 मिनट को दूध को रखा जाता है, गर्म किया जाएगा। इस दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म करना है, तो ध्यान रखना 71 से 76 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखना पड़ेगा। 1 से 5 सेकंड के रखना है तो 148 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और यदि 0.5 सेकंड के रखना पड़ेगा तो 149 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इस आप लोगों को लेना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर का हमारा यहाँ पे क्यूज है कि आम्रपाली इज अ वैरायटी
ऑफ मैंगो एंड इट इज द क्रॉस्ड ऑफ, मतलब किसके क्रॉस्ड से बना हुआ है, क्या दशहरी नीलम से बना है, दशहरी बानेशाह से बना है, नीलम दशहरी से बना है, बैगन पले अल्फांसो से बना है, या अल्फांसो बैगन पले से बना है। तो गाइस आप लोग एक ट्रिक इसको ध्यान रखना, फ्रेज के माध्यम से आमदनी से पकड़ लेना, मतलब भाई हम लोग जो बड़े हो जाते थे हमारी इनकम चालू हो जाता, हम तो बोलते हैं आमदनी आने लग गई हमारी, तो आम से क्या हो जाता है आपका आम्रपाली हो जाएगा। अरे आम से क्या हो जाएगा बेटा, आम्रपाली हो जाएगा। और दस यदि हम बात करेंगे तो आम्रपाली इज इक्वल टू दस से क्या हो जाता है आपका दशहरी हो जाएगा, और नी से क्या हो जाता है यहाँ पे नीलम हो जाएगा। तो दशहरी और नीलम से क्या बना है आपका आमदनी बना है, मतलब आम्रपाली बना है। और ध्यान रखना कि यदि इसको उल्टा कर दोगे, मतलब नीलम और दशहरी को कर दोगे, तो नीलम और दशहरी के क्रास से क्या बन जाता है वहां पे मलिका बन जाता है, मतलब आम्रपाली का रिवर्स मलिका और मलिका का रिवर्स क्या हो जाता है आम्रपाली होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों का आमदनी, दशहरी और नीलम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गाइस क्या होगा राइट आंसर होगा। गाइस आम्रपाली को ध्यान रखना कि आम्रपाली एकमात्र ऐसी वेराइटी है कि जो किसी होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाया जाता है, मतलब इसको HDP में लगाया जाता है। पूछा जाता है कि बताओ मैंगो की कौन सी वैरायटी है कि जो HDP में लगाई जाती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, लिख लेना यहाँ पे, और इसको लगाया जाता है गाइस 2.5 x 2.5 meter में लगाते हैं यहाँ पे, बहुत ही कम स्पेसिंग रहेगा। तो इस कारण से इसके एक हेक्टर में जो प्लांटों की जो संख्या होती है कितने आते हैं 1600 प्लांट आएंगे। और यदि पूछा जाएगा कि बताओ आम्रपाली को कौन से एंगल में लगाते हैं, इसको लगाते हैं ट्राइंगुलर में लगाते हैं, अरे कौन से एंगल में लगाते हैं ट्राइंगुलर में लगाते हैं। तो देखो आम्रपाली से काफी क्वेश्चन बनते हैं गाइस, इसको यहाँ पे ध्यान रखना आम्रपाली, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है गाइस आज का हमारा जो क्यूज का जो सेशन होता है, तो आज का हमारा क्यूज का सेशन क्या होता है कंप्लीट होता है। तो इस मैराथन क्लास को हम लोगों ने IBPS के साथ इंक्लूडिंग कर दिया, मतलब उसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर वगैरह थे उस पेपर के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं गाइस। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अभी क्या है कि ऑफलाइन हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली सतना में प्री का प्रिपरेशन भी करवाया जा रहा है और आप लोगों को मेंस का प्रिपरेशन भी करवाया जा रहा है। तो आप लोग सतना से या अदर स्टेट से हो या तो अदर MP के अदर डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप लोग देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, क्योंकि और दूसरे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है गाइस आप लोगों के लिए, उसको आप लोग ग्रेप कर लीजिए एकदम बढ़िया से, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो फर्दर एग्जाम रहेगा तो फर्दर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और IBPS FO के लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। तो आज का सेशन हमारा बढ़िया से कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है, दैट्स द एनफ फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।